जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए देखते हैं आज की खबरें। जबलपुर में मिला अवैध शराब का जखीरा। क्रिस्टल होटल के पास से अवैध शराब की तस्करी में लिप्त चार आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने एक गाड़ी समेत 20 पेटी देशी शराब जब्त की। जी हां, आपको बता दें कि जबलपुर अब नशे की मंडी में तब्दील होता जा रहा है। यहां पर गोरखपुर थाना पुलिस ने शराब तस्करी करने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पुलिस ने तकरीबन 20 से 22 पेटी देशी शराब जब्त की है। गोरखपुर थाना पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि बुलेरो कार में क्रिस्टल होटल हवाबाग चर्च के सामने भारी मात्रा में देशी शराब आई है, जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी करते हुए चार आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ लिया, जहां पुलिस ने बुलेरो कार सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जहां पुलिस ने आरोपियों पर आबकारी के तहत मामला दर्ज करते हुए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। बनाई दिया हमने पहन चुकी 2 सेकंड। जी सर, ये शराब पकड़ी गई थी कहाँ की थी और क्या था पूरा मामला? आज रात्रि में मुखबिर द्वारा सूचना मिला कि क्रिस्टल होटल के बाजू में एक बोलेरो गाड़ी में शराब लिए आए हैं, जिसकी तस्दीक के लिए रवाना हुए थे और तस्दीक किया गया तो बोलेरो गाड़ी में शराब लिए मिला, जिसको जिसमें चार आरोपी हैं। उसको अब इसको भी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। सर, ये कहाँ से आ रही थी, कहाँ से आ रही थी, कहाँ को जा रही थी, इसको अभी पूछताछ जारी है आरोपियों से। सर, अपना नाम और पता? उपदेशक NS टेकम, थाना गोरखपुर। ये थी आज की खबर, और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।